आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ड्राई आलू भिंडी मसाला। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले लिया है और कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे बड़ा एक चम्मच राई का तेल। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हो। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई, थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी मेथी और थोड़ी सी कलौंजी, और इसे हमें थोड़ी देर भून लेना है जब तक कि ना मसाला से खुशबू निकले। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 6-7 लहसुन की कली, जिसे मैंने चॉप कर लिया है, 1 चम्मच अदरक बारीक कटी हुई और 5-6 हरी मिर्च इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। इस हरी मिर्च में तीखापन बहुत कम होता है। मिला लेंगे इसे। इसके साथ में मैंने लिया है यहाँ पर एक बड़ा साइज का प्याज, जिसे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। प्याज को भी हमें 1-2 मिनट इस तरह से मिला लेना है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के आलू लिया, जिसे मैंने इस तरह से कट लिया है। अब हम आलू और प्याज को थोड़ी देर भूनेंगे। तो आलू और प्याज को मैंने 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम में भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी। भिंडियों को मैंने पहले अच्छे से वॉश करने के बाद इसे मैंने कपड़े से पोंछ लिया, फिर इस तरह से कट कर लिया। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम भिंडी लिया है। और जब भी आप भिंडी की सब्जी बनाएं तो इसे पहले वॉश करने के बाद सूखा कपड़े से पोंछ ले। इसे हमारा जो भिंडी का सब्जी वो चिपचिपा नहीं होगा। अब हम आलू और भिंडियों को अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसे ढक के 5 मिनट पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम में। 5 मिनट हो गया है, ढक्कन को हटाएंगे और एक बार मिला लेंगे इसे। इसके बाद हम गैस को कम कर देंगे और मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसे एक बार मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे बिना ढके 5 मिनट और पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम में। तो 5 मिनट हमने इसे बिना ढके पका लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक। अगर आपके पास चिली फ्लेक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐड ना करें। 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। गैस को मैंने इस समय एकदम लो फ्लेम में रखा है और इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। आपको अगर आमचूर पसंद है तो आप आमचूर का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। तो मसाला मिलाने के बाद हमने इसे 2 मिनट और पकाया है मीडियम फ्लेम में। और ये देखिए, हमारा सब्जी बिल्कुल गल गया। भिंडी और आलू की सब्जी बनके तैयार हो गया है। अब हम इसी में ही ढक के 2-3 मिनट रखेंगे और फिर सर्व करेंगे। ये रहा हमारा जबरदस्त टेस्टी भिंडी की सब्जी। फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।